ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई वन बाय एट मल्टीप्लाई सिक्सटी फोर और इस तरह के क्वेश्चन तो हमने पहले किए भी हैं ये है फ्रैक्शन का होल नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन इसमें हम न्यूमरेटर और होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया सिक्सटी फोर बाय एट और सिक्सटी फोर में एट से डिवाइड जाता है और आपका आंसर आ गया 8 इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं 1/12 ऑफ 3000 यहां भी ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन और 3000 को 1 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो हो गया 3000/12 और 3000 में 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 250 नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 ऑफ 1 डे इक्वल्स टू फिल इन द ब्लैंक आवर्स अब यहां हमें निकालना है वन डे एक दिन का टू बाय थर्ड पार्ट इसका मतलब एक दिन में कितने आर्स होते हैं ट्वेंटी फोर तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह भी लिख सकते हैं टू बाय थ्री ऑफ ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ की जगह लगा देंगे मल्टीप्लीकेशन का साइन क्वेश्चन बन गया टू बाय थ्री मल्टीप्लाई ट्वेंटी फोर आवर्स सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई तो यह है आपका फाइनल क्वेश्चन से सॉल्व करना बहुत ही आसान है 24 और 3 दोनों का कॉमन डिवाइजर है 3 तो 3 से दोनों में डिवाइड जाएगा 3 1 जा 3 और इधर जाएगा तो 3 8 जा 24 और ये फाइनल आंसर आ गया 16 आर्ट्स इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं पे हमें पता है 1 hour में होते हैं 60 minutes, तो हमारा question चेंज हो, के हो गया 1 by 6 of 60 minutes. बस मल्टीप्लाई का साइन लगाइए वन बाय सिक्स मल्टीप्लाई सिक्सटी मिनट्स सिक्सटी वंजा सिक्सटी न्यूम्रेटर और होल नंबर मल्टीप्लाई होता है तो सिक्सटी वजा सिक्सटी सिक्सटी बाय सिक्स और सॉल्व करने पर आ जाएगा टेन मिनट्स

टर और होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सेवन मल्टीप्लाई सिक्सटी सिक्स और इसे सॉल्व करने के लिए ट्वेल्व ट्वेल्व फाइवी फाइव सेकेंड्स इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं सेवन टू बाय सेवन ऑफ वन वीक इक्वल्स टू हाउ मेनी डेज सो हेयर वीनो हमें पता है वन वीक में होते हैं सेवन डेज

फोर बाय फाइव ऑफ टेन किलोमीटर इक्वल्स टू द ब्लैंक किलोमीटर यहाँ हमें 10 किलोमीटर का 4 बाय फिफ्थ पार्ट निकालना है और किलोमीटर में ही आंसर चाहिए इसका मतलब कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है हम सेम क्वेश्चन लेंगे बस ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो 4 इन टू टेन बाय फाइव आया और इसको कट करने के लिए क्योंकि 5 है कॉमन फैक्टर तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए फाइव वन जा फाइव फाइव टू जॉ टेन फाइव से टेन और फाइव दोनों में डिवाइड चला जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा एट किलोमीटर एक और क्वेश्चन देखते हैं 11 11 20 20 में 100 100 होते हैं, तो क्वेश्चन हमारा हो गया। 11 by 20 of centimeter, अब ऑफ हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा तो हो जाएगा 11 बाय 20 मल्टीप्लाई हंड्रेड सेंटीमीटर सॉल्व करेंगे हमें पता है जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा इस तरह से हम कैंसिल कर सकते हैं और टू वन जू और आ गया हमारा 55 This question, एक word problem है. देयर आर फिफ्टी एप्पल्स इन अ बॉक्स टू बाई फाइव ऑफ द एप्पल्स आर रॉटन हाउ मेनी एप्पल्स आर रॉटन एक बॉक्स पे फिफ्टी एप्पल्स हैं इट मींस टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स एप्पल फिफ्टी है ऑफ so मतलब तो की जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन और इसे करेंगे सॉल्व टू मल्टीप्लाई फिफ्टी बाय और हमें पता है कि 5 फाइव वन साइव और यहाँ हो जाएगा 5 50. तो ये आ गया

फोर्टी स्टैम्प जो उसने अपनी एल्बम में लगाए और बचे हुए अपने फ्रेंड को दिए थे तो फ्रेंड को कितने दिए फोर्टी एट में से फोर्टी गए एट यानी एट स्टैम्प उसने अपने फ्रेंड के साथ शेयर किए सो फाइनल आंसर इज मनीष पुट फोर्टी स्टैम्प इन हिज एल्बम नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है ऑफ द सिक्सटी बुक्स दैट आयश्री है टू बाई थ्री वर स्टोरी बुक्स

टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स है जेनेज रुपीज फाइव हंड्रेड फोर्टी शी वॉन्ट्स टू बाय अ ड्रेस दैट कॉस्ट फाइव बाई नाइन ऑफ द अमाउंट शी हैज इज द

और इधर हो जाएगा नाइन सिक्स फिफ्टी फोर और जीरो इट मींस थ्री हंड्रेड रुपीज तो ड्रेस की कॉस्ट कितनी हुई द कॉस्ट ऑफ द ड्रेस इज रुपीज थ्री हंड्रेड सो सिंपल इट इज सो माई डियर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस इट प्रैक्टिस वेल बिकॉज द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स गुड बाय